देखिए खास मुलाकात डॉक्टर जितेंद्र कुमार वैश्य रिसर्च ऑफिसर आयुष मंत्रालय मुख्य संपादक कुलीन गुप्ता के साथ 4, 5 और 6 अक्टूबर शाम 6:30 पर। वैश्य साहब TV100 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर आपसे पूछना चाहूंगा कहाँ जन्म हुआ, कहाँ प्रारंभिक शिक्षा ली? जी प्रारंभिक शिक्षा मेरी मेरे गांव में हुई, मेरा गांव प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो वैसे बात करें आयुष मंत्रालय की, आयुष मंत्रालय का क्या पर्पस है और क्या काम करता है आयुष मंत्रालय? आयुष मंत्रालय बेसिकली आयुष मींस की AYUSH, ए मींस आयुर्वेदा, वाई मींस योगा एंड नेचुरोपैथी, यू मींस यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, देन यस मींस सिद्धा एज वेल एज सोवा रिगपा टिबेटियन मेडिसिन। अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, अगर हमारे स्टेट उत्तराखंड की बात करता हूं मैं, तो उत्तराखंड राज्य शुरू से आयुर्वेद के लिए या जड़ी बूटियों के लिए शुरू से बहुत फेमस रहा है। उत्तराखंड में हमारा एक राज्य औषधि पादप बोर्ड है। आपके कहने का मतलब कि 80% दवाई अभी भी जंगल से आ रही है? क्योंकि अभी जैसे हम रिसेंटली लास्ट 3 ईयर्स में देखें तो हमारा जो रॉ मटेरियल का डिमांड है वो बढ़ा है। कि आप आपका रुझान होम्योपैथी की तरफ ज्यादा है, एलोपैथी की तरफ ज्यादा रहता है? एक्चुअली ये डिपेंड्स करता है कि हमारी जैसे बॉडी है, सबकी बॉडी का अलग अलग रिस्पांस है। तो आपका कहना है बहुत सारी सी प्रजातियां हैं पौधों की जो विलुप्त हो चुकी है? हाँ, बहुत सारे विलुप्त भी हुए हैं, बहुत सारी प्रजातियां हैं जिन्हें फिर से खोज की गई है। भाई साहब, कई कठिनाइयों के थ्रू आपको और आपके परिवार को गुजरना पड़ा। जब हम छोटे थे हमें याद है कि रिपोर्ट्स कार्ड्स जो है सबको मिल जाते थे लास्ट डे पर, मुझे और मेरे भाई बहनों को नहीं मिलता था क्योंकि हमारी फीस नहीं जमा हुआ करती थी। देखिए खास मुलाकात डॉक्टर जितेंद्र कुमार वैश्य रिसर्च ऑफिसर आयुष मंत्रालय मुख्य संपादक कुलीन गुप्ता के साथ 4, 5 और 6 अक्टूबर शाम 6:30 पर।